बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम ब्रह्मा निर्विघ्नम कुरु मे दिवाय सर्व कार्येषु सर्वदा। कोनो तोला गजानन कहे कोनो कहे गनरा कोनो तोला गजानन कहे कोनो कहे गनरा जय हो जय गणपति महाराज रखले में हमरो तेला। जय हो जय गणपति महाराज रखन में हमरो तला। जय हो जय गणपति महाराज रखन में हमरो तला। कोनो तोला गजानन कहे कोनो कहे गनरा कोनो तोला गजानन कहे रखल में हमरो तला। जय हो जय गणपति महाराज रखल में हमरो तला। माता तोरे पार्वती है पिता हवै महादेवी पिता हवै महादेवी पिता हवै महादेव सबले आगो पूजा होते तोरे गणेश देवी तोरे गणेश देवी तोरे गणेश देव पहली पूजा तोरे करत हन हाल में आरती सा पहली पूजा तोरे करत हन जय गणपति महाराज रखल में हमरो तला। जय हो जय गणपति महाराज रखल में हमरो तला। लड्डू पेड़ा के भोग लगैया पेट हवै बड़ भारी पेट हवै बड़ भारी पेट हवै बड़ भारी लाज लहरो रख दे भगवान बीच समावा लाज लहरो रख दे भगवान बीच समावा। हो जय गणपति महाराज रखल में हमरो दया। जय हो जय गणपति महाराज रखल में हमरो दया।
तुम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल अंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसुर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो। सर्वप्रथम पावन धरा धाम राम डोंडकी के ये पावन भैया ना प्रणाम। ये भैया मां विराजमान जम्मो इष्ट देवी देवता ना प्रणाम। और साथ ही साथ आयोजक समिति ओम नव जागरण गणेश सेवा समिति वाले जम्मो भैया मन लगा कोटि कोटि प्रणाम। निवेदन करो हमारे माइक वाला भैया टेंट वाला भैया आदरणीय वन संचालक गुरुदेव लगलो कोटि कोटि प्रणाम। निवेदन करूं एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य यादों के याद तुलसी चर्चा राग के कटक कोटि अपराध। आदरणीय संत श्रोता समाज निवेदन हवै एक घंटा याद घंटा या फिर 15 मिनट सत्य मन उतन लगा के कथा में जुड़ जाऊं। विनती हवै कोन प्रकार के वाणी में मात्रा में गीत संगीत या व्याख्या में कमी हो ही तपन छोटे बेटा समझ के अपन नाम ना नहीं का समझ के क्षमा करे के प्रयास करूं। तो आओ हमन हर जामवंत के वचन सार सुन हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोहि पलि के हो तुम भाई सह दुख कंदमूल फल खाई। ए प्रसंग में हम ल चर्चा करना हावे ए वही कर के बाद हरे जिन में माता सीता के हरण हर गरी सब कोई खोजा कहां के माता सीता हर कहां के माता सीता हर। एक जन कथे मैं देखूं भैया कथे मैं देखूं भैया कहां के माता सीता हर। मैं देखूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार बूढ़ा भय न तो कुछ करता हूं सहाय तुम्हार। कथे भैया मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सका काबर काबर के गिधवा मन की दृष्टि अपार रहते मैं भी भी देख सकता हूं लेकिन क्या करूं उसका बल नहीं मोर में उसका ताकत नहीं मोर में उसका शक्ति नहीं मोर में। किसान कुछ तो मदद कर तुम्हार कर तब बताई लंका के राजा रावण आए जैसे माता सीता के हरण करके लंका लेके यही कह के जान तो दरी माता सीता लंका में है तेरा तो माता सीता लंका में कति जगह हावे कति स्थान में इला जान जबर कौन जही इला पहचान जबर कौन जही। एक जन कहते भैया मैं आधा दुनिया के अल्लू के स्वाहु का मतलब क्या आधा दुनिया के अल्लू। एक जन कहते हैं मैं आधा लोग पार कर दूँ के कितना वहु का मतलब क्या आधा लोग पार जाए। एक जन कहते उसके जहाँ अंगद कहते मैं पूरा चल दूं कि सारे वाह वाह चलो जल्दी जल्दी जाए तैयारी करो जल्दी जल्दी जाए तैयारी करो करो मस्त जाए तैयारी होगे जाए तैयारी होगे के बाद बात करते जाए बस तो चल दूं लेकिन आए ना सुनते हैं कि स्वाहु का मतलब कि जही हम नहीं हैं इतने हनुमान जी मस्त चुपचाप एक जगह बैठे रहे से सब कोई मन देख रहे। अरे अरे ये तो पवन के पुत्र हर घर में तू पवन के समान बले पवन ले अपार बले तब भूल एकदम शांत बैठे हैं हनुमान जी लोग कर बचपन में तो श्राप ले रही है। ए चौरंग कन्हु ऋषि मुनि मन तपस्या करत रति तय चौरंग ले को कर्म धा देति सो चौरंग ले को कर्म धा देति। ऐसे में कत को ऋषि मुनि मन की तपस्या भंग हो जाए तय एक दिन एक जन ऋषि मुनि वाला श्राप दे ऋषि करे जा तोर बल पर तोला बहुत घमंड है तोर ताकत ऊपर तोला बहुत घमंड है तोर शक्ति ऊपर तोला बहुत घमंड है तो जा आज के बाद तोरे बल तोरे ताकत का तोरे शक्ति ला भुला जा के तय एक जन कहे प्रभु ये तो राम के काज बर जन्म ले हो राग राग सरकार के कार्य बर जन्म ले है तेकर बल तेकर ताकत तेकर शक्ति ल भुला जा कहत तब कहते देख जी श्राप का तो वापस नहीं ले सकता लेकिन एक चीज जरूर बोल सकता हूं जब तोला कोई याद आ गई तोर का अतका बल री सकत ताकत री अतका शक्ति री के तब तोरो बल तोरो ताकत तोरो शक्ति हर हरकत। अभी कौन याद दिलाते जा मोहन जी ई बात लगे कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोहि परि केहु तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई कहते मैं जहु लंका तब
मैं जब यहूं तब मोर आज में तुम्हारे इंतजार करत रहूं। अबे जंगल में जब का फल फूल हवे तेला खा के अपन जीवन व्यतीत करत रहूं कह के कृष्ण हनुमान जी हां कर बाद में मस्त हनुमान जी जाए बर तैयार हो रहा कह जाते हनुमान जी जाए बर तैयार हो गए जाए बर जब तैयार हो तो ही करे कट पहाड़ दे दे वही करा एक तन पहाड़ दे दे ओ पहाड़ में चढ़ी और पहाड़ में चढ़ी के बाद ओ पर्वत में चढ़ी के बाद में ओ पहाड़ ओ पर्वत में चढ़ी के बाद में देखी लंका का कक धुरिया है कौ जम सकू तू तो लंका को पार पार जों कहूं धीरे को दू ते समुद्र में गिर देखी लंका का कक धुरिया चलाओ देखे के बाद में जब हुआ ये कुदिस थे ना तो पर्वत के नो पहाड़ जी ते नर 10 साल पाताल लोक में चले गए जाते अत्ता बड़े अत्ता विशाल काल हो गए ऋषि हनुमान जी अत्ता बड़े हो गए ऋषि से बताए जाते हनुमान जी हुई प्रकार ले हनुमान जी मस्त जाए लगे तब तक आवे को प्यार रथ भजन सुनबो कर बार में कथा प्रसंग की ओर चल चल बोले सावर राम चंद्र की जय कहि ठिकाना माटी की चुना के खेल गवाए तो माया तन जोड़
काहे ठिकाना माटी के चोला के तेरा काल संग सियारा मगालना तेरा काल संग सियारा मगालना तेरा काल संग सियारा मगालना लखन सियारा चंद्र रघुपति दूत विचारी जल्दी मैनाग लगत है अरे ओ मैनाग जाओ दे राम के दूत हर जावत है और रावण के सरकार के दूत हर जावत है जा निकल जा तोर पर विश्राम कर तब मैनाग पर्वत निकल हवे हनुमान जी देखी कौन हरे हतला हनुमान जी देखी पहचान कौन हरे हतला ओकर बाद में देखे के बाद में पहचाने के बाद में हनुमान जी परास कर पुण्य के न प्रणाम राम का जी ने भी मोहि कहा विश्राम के कथे भैया मैं और राम के कार्य करे बिना और रविंद्र सरकार के कार्य करे बिना कौन प्रकार के विश्राम नहीं कर सका न कौन प्रकार के अन्य जल ग्रहण नहीं कर सका कौन प्रकार के अन्य जल ग्रहण नहीं कर सका कहके कहते दरबार में हनुमान जी मस्त जाए हनुमान जी मस्त जाए के बीच ले आ सके ई बात आ जाने पर पहचाने पर सुरसा नाम आही के माता आही आही मतलब होते सांप सांप के माता सुरसा माता ने हनुमान जी के परीक्षा लेकर भेजे हनुमान जी का देखी शुक्रवार में सुरसा माता अपन सांप वाले रूप में आके हनुमान जी के पीछे पीछे भागे लगे हनुमान जी गलो आगे आगे भागे लगे कहते मैया मैं और राम के काज कर आवत कहते मैं और राघव सरकार के काज पर जावत हो मैया मैं वहां जाऊं तहां तोला खा ले अरे नहीं मोला तो अभी भूख सताती मैं तोला अभी खाऊं देख मैया मैं वहां जाऊं तहां तोला खा ले अरे नहीं मोला तो अभी भूख सताती मैं तोला अभी खाऊं हनुमान जी कहते अभी खावे खाओ अभी हनुमान जी की सीधे चल मोला खा करके सुरसा माता अपन मुंह लगली हनुमान जी ओकर गुदा बन गई के जते सुरसा माता जब सौ योजन के अपन मुंह लखली तो हनुमान जी एकदम मच्छर के समान बन को कर गुजर से निकल के कहते मैया अब तो ते मोला खा दे अब मोला जान कि सुमा बेटा हनुमान आज मैं तोर परीक्षा लेवत रहे हूं आवाज से परीक्षा में पास हो गए जा तोर हर काम सफल होई इस प्रभाव में हनुमान जी बस बस जाए जाए हनुमान जी मस्त जाए जाए जा तू इस तरह से मोला एक जन और उस कथे जेकर नाम है सीका अबे सीका का काम कर अबे सीका का काम कर जे दियो मार गलु हाथ जते ओकर परछाई ना पकड़ लेते ओकर परछाई ना पकड़ने के बाद वो समुद्र में गिरा देते और समुद्र में गिराए के बाद में अपन भोजन बना लेते ई चल कपट हनुमान जी के संग चलो करे के प्रयास कर इसने के हनुमान जी लखन बंदी बना सकते का जाए हैं तू ही मतलब पूछो तो हनुमान जी को बंदी बना सकते नहीं बना सके ना हनुमान जी तुरंत कर पास जी और वही करो कर विनाश कर जी सो कर विनाश करने के बाद में मस्त हनुमान जी आ गए बढ़े लग के हनुमान जी मस्त लंका में प्रवेश कर रहे लग के लंका के दृश्य देख के आश्चर्य चकित हो के कहते अरे अरे ये लोग तो रावण के लंका के जत यहां तो रावण से की कथ लेकिन यहां का दृश्य देख तुम्हें किस नाना प्रकार का फल फूल अनेक अनेक प्रकार का फल फूल
अनेक 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 प्रकार का फल पूरी स्कत इलराक्षस मन के लंका कहे जाते ई बात बात सोचा सोचा हनुमान जी मस्त लंका में प्रवेश करत हैं। तब तक आवे को प्यार भजन सुनबो पर बार बार कथा प्रश्न सोर चलबो बल बजरंग बली महाराज की। जीवन सफल बनाने श्री राम भजन करके जीवन सफल बनाने श्री राम भजन करके जीवन सफल बनाने श्री राम भजन करके माँ के गर्भ निकले हाय माँ के गर्भ करके जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके सफल बना ले श्री राम भजन करके जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके तेजाब काल धर के मसब छुटही तेजाब काल धर के आके गर्भ निकले हाय माँ के गर्भ निकले ते काय वाद करके जीवन सफल बना ले श्री राम भजन 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 करके प्रेम से बोली राज रामचंद्र की जय। कथा अच्छा नहीं लागत है का हैं वी प्रकार हमर गांव में कलो घटना होई बिहज हर में हमर गांव में हर साल रामायण होते कृष्ण जन्माष्टमी के यौ साल होय समस्त रामायण को पूरी अदाय दी रामायण पढ़िया एक जन ठोकरी दई है इस आगु में बैठो पर रोज रोज जाए आगु में बैठे और अब्बड़ रोज
महाराज कहते हैं ए माता राम ने मोर कथा बड़ी हलास ई हर सबले ज्यादा रो तब पैसा लगलो सबले ज्यादा इच्छा जी पैसा लगलो सबले ज्यादा इच्छा जी के आखिरी के दिन पूछत पूछत जी सुकर घर में आ महाराज आ बैठो बैठो बैठ के टई दे सही मस्त बैठी दार दिसियो लिपस्टिक ले के पेल देते कसु माता राम कोनो गलती होगी का मोर से कथा में 1 रुपया ले देवत कौन त्रुटि होगी का का थे तब प्लीज देख बेटा ना तो तोर गलती ले जाना और ना तो मैं तोर कथा लया लेकिन एक चीज जरूर जान दो ये तो दाढ़ी दिक्कत कने दाढ़ी हमर बोकरा खलो री से जब जब चला देखा तब तब वो बोकरा के याद आ कर से तीन रोम बोकरा चोरी हो गए ती प्रकार ले आप दान ती ध्यान ला नहीं लगाने में दाई हो मस्त कथा प्रसंग में जुड़ के रहने अत के निवेदन हवाई मोर ई प्रकार ने मस्त हनुमान जी लंका में प्रवेश करी लंका में जाए लगे हनुमान जी लगते अरे ओ चोर कहां जा रहे थे कौन किस लंकनी हस लंकनी हस कहते अरे वो चोर कहां जा रहे थे ते मोला चोर कर ते हर मोला चोर कर ते चोर चोर राजा के तोर पूरा खानदान चोर के मो राजा के चोर कोई पराई औरत लोग ठाक लाना चोरी नहीं होती काय की औ हक्कन के कदीस कर सकते यहां वही करा वो मूर्छित होके गिर गए लंकनी हस तब लंकनी हस मंत्र बताए दे हनुमान जी ला कन्हो भी शहर में जात हस कन्हो भी नगर में जात हस कन्हो भी जगह में जात हस कन्हो भी स्थान में जात हस ते मंत्र ल बोल के जावे का की प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखो कौन सब राजा की करवा में मस्त हनुमान जी प्रवेश करे लगे लंका में तब हनुमान जी सोची लंका में तो मोला लगा लनी सत कौन दिखती ते का ले तो मच्छर समान बन जा तो किस मच्छर समान बने के बाद में मच्छर समान बने के बाद में समान हर घर हर मोहल्ला खोजन लग गए मंदिर मंदिर पति कर सोधा देखा यहां दांत बल बल हर मंदिर खोजन लग गए अच्छा अच्छा मैं तुमला पूछा तो दाई हूं बताहु सब अच्छा कौन कौन मन माता सीता लख कौन कौन माता सीता लख कोनो तने खोजे हो हैं कोनो का लई नहीं लागी कौन कौन मन खोजे हो कहत हो नहीं खोजे के जते आजकल सब कोई माता सीता ला खोजत है आजकल सब कोई माता सीता ला खोजत है के जते दुकान वाला भैया मन बिनके दुकान खोल के बैठे रहते हैं वहु मन माता सीता ल खोज रहते का भाई माता सीता हर मोर घर में कई के जते ओ मन धर ल छुपी सीता ल खोज रहते दाई कई मन अपन घर द्वार ल छोड़ के आश्रम में रहते वहु मन माता सीता ल खोज रहते के जते ओ मन शांति रूपी सीता ल खोज रहते दाई हो कई जन मन अपन घर द्वार आश्रम ल छोड़ के शमशान में रहते वहु मन माता सीता ल खोज रहते बताए जाते ओ मन हर लक्ष्मी रूपी ओ मन हर मुक्ति रूपी सीता ल खोज रहते दाई हो आजकल सब कोई माता सीता ल खोज रहते आजकल सब कोई माता सीता ल खोज रहते लेकिन अभी कौन खोज रहते हनुमान जी हनुमान जी खोजत खोजत जाए लगे मंदिर मंदिर पति कर सोधा देखा जहां जात बल जोधा हर मंदिर ल खोज लगे अच्छा वहां ल मंदिर काबर कहा था सोचे एक बात तो नहीं भाई वहां ल मंदिर काबर कहा था मंदिर तो नहीं हो इन मंदिर का बात कहा था कह जाते थे हमर पति अच्छा चंडी माता मंदिर हावे पूजा पाली में कौन कौन मन जानते दाई हमर पति बाग बाहर कौन नहीं जान एक जन दीदी बस जान तो कहा तो करवा तो कौन कौन जान ता अच्छा पहाड़ में स्थित हावे तो पहाड़ के घर में कौन बैठे तो पहाड़ के घर में चंडी बैठे कब उदाई इसने कब नहीं कहा कि पहाड़ के महल में कौन बैठे तो पहाड़ के महल में चंडी बैठे कब के जाते नहीं कहा ता ओ पहाड़ के मंदिर में कौन बैठे हावे तो पहाड़ के मंदिर में माता चंडी बैठे इसने कब उदाई तो जब माता चंडी वहां विराजमान होई
तब वहाँ के हर हर स्थान मंदिर कहलाए माता सीता विराजमान तब यहाँ के हर 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 एक महल हर एक जगह मंदिर कहलाए लगे कथे मंदिर मंदिर पति कर सुधा जे कह दहा तहा तबल जो द सब खोजे लग गए लेकिन माता सीता देखबे जे नहीं करिस कथे राय हो तब तक का एक प्यार भजन सुनबो करवार में कथा प्रसंग की ओर चल बज श्यावर रामचंद्र की जय। श्याम इतना बता दो जरा तुम मुझे श्याम इतना बता दो जरा तुम मुझे गंगा जग मेरी जिंदगी रह गई। दादा तू मेरी जिंदगी रह गई याद तेरे कदम ने तब से नहीं याद पूजा मेरी कमी रह गई समय इतना तू जरा तू मुझे समय इतना तू जरा तू मुझे कम दादा तू मेरी जिंदगी रह गई याद तेरे कर्म ने तब जे नदी याद पूजा मेरी कमी रह गई समितना बता दो सदा तुम मुझे कम दादा तुम मेरी जिंदगी रह गई समितना बता दो सब काम मेरा किया रात सपने में रात सपने में बाबा ने दर्शन दे रात सपने में बाबा ने दर्शन दे नजरिया लड़ी के लड़ी रह गई राम इतना बता दो जरा तुम मुझे तुम दादा तू मेरी जिंदगी रह गई श्याम इतना बता दो Yeah.
ऐसे बंगलों बगला भगत कर रहे, टूट क्यों दास की झोपड़ी रह गई, इतना बता दो जरा तुम मुझे, गंगा मेरे जिंदगी रह गई, इतना बता दो जरा तुम मुझे, गंगा मेरे जिंदगी रह गई, इतना बता दो जरा तुम मुझे, इतना बता दो जरा तुम मुझे, गंगा मेरे जिंदगी इतना बता दो जरा तुम मुझे, गंगा मेरी जिंदगी रह गई, इतना बता दो जरा तुम मुझे, गंगा मेरी जिंदगी रह गई, गंगा मेरी जिंदगी रह गई, गंगा मेरी जिंदगी रह गई। लखन सियाराम चंद्र हल 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 बल बजरंगबली महाराज की जय जय। वी प्रकार नमस्ते हनुमान जी, हर 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 मन लखो जे लगे कथे, लेकिन माता सीता जी बिच नहीं करी सकत दाई, माता सीता दिग्विज नहीं करी सकत, जब खोजत जी से ही करो लगतक घर घर ना तो हर सोना गिरी ना तो चांदी गिरी, सब गड़ला पड़ा घर, लेकिन काज की तो घर में हनुमान जी लगे, हनुमान जी के हृदय एकदम गदगद हो गए, बताए जाते हैं वो घर में राम के धनुष छपाए रही, तो हम जानबो कैसे राम के धनुष से धर रावण के, कैसे जान जाई हो ये राम के धनुष से धर रावण के गए, तो ही मल्ला पूछा तो वो कैसे जान वो नहीं जान, कौन नहीं जान, बताया जाते राम के धनुष में मयूर के कटा लगते और रावण के धनुष में गिधवा के कटा लगते, एकर से पता चलते राम के धनुष से रावण के कटे, अरे ये तो मोर प्रभु राम के धनुष, अरे मोर प्रभु के धनुष छपैया को नहीं है, मोर प्रभु के धनुष छपैया कौन हावी, पक्का ही रावण कोनो चाल होही, रावण के कोनो मोह माया होही, ए रावण के मोह माया होही, कर बाद में जात रीस से देखी सब घर के आगे तुलसी के चावरा गल लगे, और जहां तुलसी के चावरा रहते ओकर खाले में शालिक राम विराजमान रहते, और जहां शालिक राम विराजमान रहते वहाँ कौन प्रकार का मोह माया नहीं रहा है, जान को दरिस एक कौन प्रकार का मोह माया नहीं हुआ है, जान दरिस एक कौन प्रकार का मोह माया नहीं हुआ है, कर बाद में घर के अंदर जाए लगे ओ महल के अंदर जाए लगे, जब वो घर के अंदर जावत तीज का घर ले आवाज राम कहीं, अरे अरे मोर प्रभु राम के नाम ले लेवैया कौन ही हो, राघवेंद्र सरकार के नाम ले लेवैया कौन ही हो, ओ राघवेंद्र सरकार के नाम ले लेवैया कौन ही है कह के किस, ओ करबाद में ओ घर के अंदर में गिस, ओ घर में प्रवेश करिस ते को तीरा ए को तीमा लिखाय रि राम, जब ओ घर में गिस तो कर मुलाकात विभीषण से महाराज से, विभीषण से महाराज कहते अरे ती कौन हरस, तब कहिस मैं राम के दूत हरो, राघवेंद्र सरकार के दूत हरो, अमे तोर घर के आगे तुलसी के चावरा ल देखो त तोर घर आए हो, मैं माता सीता ल खोजा तो काते बता सस, माता सीता कहां हो, ओकर पहली हनुमान जी अंतन औ प्रश्न करी कथे राम के नाम ल लिखे है, ए राम के नाम ल लिखे राम के धनुष ल छापे तो का तू वहां के राजा कुछ नहीं कहे, का तोला इहा के राजा कुछ नहीं कहे, कते कते जी यहाँ के राजा मोर भैया है, तो का कथन सोला, अरे भाई ये तो मोर धनुष सर नहीं दिखाते, तो कथो अरे भैया ये तो तोरे धनुष रे, आजकल न्यू मॉडल चलत है अलग डिजाइन में बनवाए हो कथो, ते बार बने बने
एकरा कर बता जाओ तुम्हें एको तिला एको तिमाली खाए राम यौ करगत जी। अरे भाई ए तो राम लिखा है नहीं भैया भले तो लब लब कत कबर पंडित कथे कत कबर ज्ञानी कथे लेकिन तोर पढ़ाई में मिस्टेक है कथे तोर पढ़ाई में मिस्टेक हवे राम मतलब रावण अमा मतलब मंदोदरी गुरुजी के सरे वाह वाह जा पालन कमे ए नाम ने लिखवा दो कथे जाओ प्रलंब में नाम ला लिखवा दो ओकर बाद में पता चलते ए शान में देखकर माता सीता विराजमान है कहके ओकर बाद में हनुमान जी लंग लग के आखिरी छोर में जाए लगे तका तो प्यार भजन सुनबो ओकर बाद में कथा प्रश्न की ओर चलबो बजे सावर रामचंद्र की जय 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 हर 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 प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बजरंग बली ने जो बजरंग बली गली गली में नाम है 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 भोजन के दुलारे वासरे अजब काम है भोजन के दुलारे वासरे अजब काम है चाटे लते दिखाए ओ सीताराम है राम है बजरंग बली गली गली में नाम है बजरंग बली गली गली में नाम है बली 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 जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली जला दे घुमाला दबाए कत काहे तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए कत काहे तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए बजरंग बली गली गली में नाम है बजरंग बली गली गली में नाम है सीता के सुध लेवर उड़ के जीते हलंका लंका में ते हजा के बजाए सबके डंका लंका में ते हजा के बजाए सबके डंका सीता हरण के रावण जो काए दम है सीता हरण के रावण जो काए दम है छाती लचे दिखाए ओ मस्त राम है सीता राम है
बजरंग बली बजरंग बली गली गली में नाम है। बजरंग बली बजरंग बली गली गली में नाम है। बजरंग बली बजरंग बली गली गली में नाम है। बजरंग बली बजरंग बली गली गली में नाम है। बजरंग बली बजरंग बली गली गली में नाम है। बजरंग बली बजरंग बली गली गली में नाम है। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। ये प्रकार से हनुमान जी जय लंका तक तेल लंका के आखिरी छोर में, लंका के आखिरी छोर में एकदम सुंदर नामक पर्वत के बताया जाता है। ओकर नाम सुंदर ओ मनमानी सुंदर ओ सुंदर सुंदर अब कतक सुंदर जी से बताता के नहीं बता सकौं दाई हो कब्र में नहीं देखे हौला देखे रे तुम पता तुम कत सुंदर अत सुंदर यहां तक सुंदर दत्त लेकिन मैं देखे तू नहीं हो ना तो बताए जाते और सुंदर नामक पर्वत में तो वाटिका है जिनका नाम है अशोक वाटिका और अशोक वाटिका में तो अशोक पेड़ के नीचे में माता सीता विराजमान है कहके मालूम चली हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर में गिर सो अशोक वाटिका में गिर तो माता सीता एक ठन गाड़ी के सहारा लेके जमीन लखन थन थन राम भगवान याद करत रहिस कथे दाई दाई और राघवेंद्र सरकार याद करत रहिस कथे हे राम भगवान हे राघवेंद्र सरकार हे प्रभु ते सब के तो दुख लहर दर प्रभु फिर मोर दुख ल कब हर बे अगर मोर ये तन हावे अगर मोर ये सांस चलत है प्रभु तो मोर हर सांस में तो नाम चलत है प्रभु ते कब आवे और कब मोला ले जाबे ते कब आवे कब मोला ले जाबे जब यही भाव मोला हनुमान जी देखे कछे बताई तो हनुमान जी तुरंत कर कर गीस माता सीता देखते हरी हरी ते कौन हर तब कथे हनुमान जी मैया जे राम ल याद करत रहे हैं ये राघवेंद्र सरकार ल याद करत रहे मैं और राम के दूत हरो मोला हनुमान कहे जते के मोला हनुमान जी कहे जते के कि तब कथे वाह हनुमान कर बाद में मस संदेश सुनाई संदेश कर बाद में हनुमान जी कथे मैया मैं और राम भगवान ल वचन दे रहे और राघवेंद्र सरकार ल वचन दे रहे हूं कि जब तक मैं हर कहते हैं जब तक मैं हर तोर संदेश नहीं ले लूं तब तक कौन प्रकार के जल ग्रहण नहीं कराऊं लेकिन भैया अब तो मैं तोर संदेश ले दे रहा हूं का मैं अशोक पाटिका के फल ल खा सकत कि बेटा बिल्कुल खा सकत फल ल खाए जब जो बना बिल्कुल खा सकत कहते अच्छा अच्छा जंगल तू से हनुमान जी ला अजर अमर होए के वरदान कौन दिस और कब दिस के तमे तुम ल पूछो तू दाई हनुमान जी ला अजर अमर होए के वरदान कौन दिस और कब दिस बताओ ना नहीं जानो भैया मन पूछो भैया मन बता कोनो नहीं जानो अच्छा हनुमान चालीसा कोन कोन मन पढ़ते हनुमान चालीसा में लिखा रहते अस सिद्धि नौ निधि के दाता अस बर दिन जानकी माता के मस्त हनुमान जी अजर अमर होए के वरदान ल पाए के बाद में फल ल खाई ल लग के जते फल ल खाई ल लग अच्छा तुम ल पूछा तो दाई बेंद्रा जी हां है है बेंद्रा अर्थ का के हम वो नहीं है अच्छा बेंद्रल की चीज ल खावत देखे हो बेंद्रल की चीज ल पूरा खावत देखे हो है बेंद्रा प्रभु कई चीज ल पूरा नहीं खाए खाते काबर काबर को कर्म ल चंचल बताए जाते कर्म ल चंचल बताए जाते कह जाते जे स्वाद ल में चखत हो जे चीज ल में खात हो वो चीज ल कोई दूसरा खा के देखे कह के आधा ल खाते हैं और आधा ल छोड़ देते हैं अच्छा अच्छा बेंद्रल मखना खावत देखे हो दाई हां खाते बेंद्रल रखिया खावत देखे हो बेंद्रा कबू रखिया नहीं खाए खाते बेंद्रा हर कबू रखिया ल नहीं खाए खाए बता जाते मैं अभी बेंद्रा मन नहीं कहा तो दाई हो अभी बेंद्रा मन थोड़ा बेंद्रा में पहली बेंद्रा मन कहा था पहली के बेंद्रा मन रखिया ला नहीं खावे मुंह तीर में लगे और धर धर कर चार दे दुई प्रकार ले हनुमान जी चलो आधा ला खाया आधा ला फेंके आधा ला खाए आधा ला फेंके एक जन सेना देखी सोकर संग में दो जन सेना देखी सोकर संग में तीन जन सेना देखी सोकर संग में चार जन सेना देखी
ओकर संग में पूरा अशोक वाटिका के सेना भाग लगे कथे त अशोक वाटिका में कुल कतका जन सेना री सुई जाई मैं तुमन ल पूछत चलो बता बताओ ना दाई त कहे जाते अशोक वाटिका में कुल 88000 सेना री सुई के और 88000 सेना हनुमान जी के पीछे भाग लगे हनुमान जी लो आगे आगे भाग लगे तुमन ल को मारे खुदहि धागु नहीं दाई हैं तू मलाक कोनो गेड़ा धर के मारे मारे दही भागूती ही कहता हूँ भागू ना प्रकार हनुमान निकलो भागी सोई हो कर बाजू तो पूरा 88000 से न लगे हनुमान जी प्रकार भागी सोई ना नहीं दाई हनुमान जी ही प्रकार का है हनुमान जी देखना चाहते हैं से अगर ये अशोक वाटिका में अपना जन सेना हावे तई सेना में कुल कुल कतका दम है तेला देखना चाहत रीस कर बाद में एक जगह रुक के एकदम वीर की तरह खड़े हो गए कथे के जाते एकदम वीर की तरह खड़े हो गए ते जब का कहते बेंद्रा निकले है गदा ल धर के रे हमर बाप बाचे बेंद्रा निकले है गदा ल धर के रे हमर बाप बाचे जाने बेंद्रा निकले है गदा ल धर के रे हमर बाप बाचे बेंद्रा निकले है गदा ल धर के रे हमर बाप बाचे कोनो ल तुम्हारी सत तुम्हारी दुर्रम सांदी कोमल फूल कम सांदी विकट काडिस करथे दो चार जन तुम्हारा बाचे नी ते मर रावण करा जावत है तब तक आवे को प्यार भजन सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो बल श्यावर रामचंद्र की जय जय लखन सिया राम चंद्र की जय जी लेंगे सरकार करी सरकारी में हमें रख लेना श्री राम तेरी दरबारी दर्द रे आता रहूं
हम रख लेना श्री राम श्री दरबारे में हम रख लेना श्री राम श्री दरबारे में नमाज़ को तो अल्लाह कमारी सब कमारी धुरम चांदीस को नल तुम कम चांदीस का सिद्धू चार जान अधमरा बातें नहीं तो मैं रावण का लगी अब रावण का रह जाएगा बाद में कदे प्रभु अशोक पाटी का भी कोई वानर आए जैन हर पूरा अशोक पाटी का लोग झार झार दिन किस अरे यार तू बन का कर तू जाओ ना मारू प्रभु हमारी हालत तो देखो तब बोलना हम लत कब मारी सत मारी किस्मत बिकट मारी सी तो तुम नहीं सको वाला मारे मारे नहीं सक हम हर हर नहीं सक के 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 हम नहीं सक सक कन के के तो रावण के सब ले छोटे बेटा ने बोले अरे वो बेटा तय तुम्हार के काय पिताजी का डब डब लता मैं तुम ने पूछा तो मां तारी तुम तो हर बेटा ने लता डब डब लता थे वो काय मां कथे नहीं नहीं बताओ ना तो ही मतलब पूछा तो है कते काय पिताजी की के तो तुहर बेटा मतलब ल तो त काय मां कह के कथे का कहा तो डौड़ा ता ता है हां से बन के हाथ दाए हो बताए वह कहा था के जाते ए अक्षय अच्छा रावण के जन बेटा रीस आयो रावण के जान बेटा रही एक तन कहावत है जात एक लाख बेटा और सवा लाख माती फिर रावण के घर में दिया नवाती ओकर तोर ते एक लाख बेटा हवे कथे रावण के जान बेटा हवे एक लाख बेटा और मैं सबले छोटे बेटा कौन हवे ओकर सबले छोटे बेटा का नाम का है कह जाते रावण के सबले छोटे बेटे का नाम है अक्षय कुमार अरे वो बेटा अक्षय कुमार किसका है पिताजी का हाथ काट डौ 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 आगे कहते बेटा जा अशोक वाटिका में कोई वानर आए होकर विनाश कर जावे कि जो हुकुम पिताजी की अब डौ 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 जाए ले जो कर विनाश करे बराबर हनुमान जी ने देखी तो कहते अरे वो वानर ती है ना सके ने अशोक वाटिका के पेड़ पौधों पर हंस हंस करके रखे कहते मैं भी हूं भैया हनुमान जी कहते मैं नहीं हूं त कौन हरे कहते तो लट जा 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 मरे मरे दिखा थावे ए सब को मोला को दई तमे एक खंडिया लोग खंडिया भागे ते खंडिया मन हट टूटी से कहते तब एक खंडिया मन हट टूटी से करके बताई आ तो मोर पिताजी के आदेश आ गए तोला मारे ला पड़ी कहते ते और मोला मार में चल हो जा जाते कि सुनो कोई के बीच में घोर डा होए लग गए तो जीत का कर होए लगे सोई जाई हनुमान जी हनुमान जी के जीत होए लग गए हनुमान जी जीते लग गए जब अक्षय कुमार के आखिरी सांस चलत ने सब पूछी अरे भैया ते कौन हो रहा ना तो मोला देवता मन मारे सके ना तो मोला राक्षस मन मारे सके ते कौन हो रहा सके तब बताई मैं राम के दूत हरो कहते मैं राम के दूत हरो मैं राघवेंद्र सरकार के दूत हरो ते ओकर कार्य में बाधा बने ओकर शक्ति तोर विनाश होइस एक रे से तीन तोर विनाश होइस किस बतत रेसे तीन तोर विनाश हो सी ओ कर बाद में मस्त दो चार जा फिर अधमर वाची नीचे मर रावण करगी और रावण कर जाए के बाद में कहे प्रभु जय बात कड्डा दिस हो इस कते का हो गे किस अक्षय कुमार युद्ध में हार होकर मृत्यु हो गई किस तरह वहां अपन माथा लदा के बैठ बैठ रावण
अपन माथा ला धर के बैठ गए। ओला दुखी ये बात री लई उमर बेटा मर गए। ओला दुखी ये बात री कि मोर मोर सबले आज्ञाकारी बेटा मर गए। अवे जनवान के हाथ मर गए। ओकर बाद में ओकर दूसरा बेटा ने बुलाई ए जते ओकर दूसरा बेटा ने बुलाई अरे ओ बेटा मेघनाथ के काय पिताजी काय डौड़ डौड़ ताले कते बेटा जा अशोक वाटिका में कोई वानर आए हो ना पकड़ के आवे प्लीज जो हुकुम पिताजी अभी ओकर विनाश कर के आ तो कते देख बेटा तोला ओकर विनाश नहीं करना है ओला पकड़ के लाना हवे बहुत तो देखो कैसन वानर हरे जैन मोर बेटा ना मारी सकी की हिस दरबार में मस में ना जाय लाग गई हो तब तक आवे तो प्यार रस भजन सुनबो दरबार में कथा प्रसंग के और चल बल सियावर रामचंद्र की जय। पाए हन जिंदगी जार दुनिया माते माया माए सारी दुनिया हरि भक्ति बजला भुलाई डारे माया मोह ममला मिलाई डारे माया मोह ममला मिलाई डारे सियरा बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जय धीरे धीरे बोल सब कोई निवेदन हवा में हाथ उठा के जोरदार ताली बजा रहे सब माता भैया मंदिर निवेदन माते माया माए सारी दुनिया माए हर जिंदगी चार दुनिया माते माया माए सारी दुनिया हर बखी बजला भुलाई डर माया मोह ममला मिलाई डर माया मोह ममला मिलाई डरे सियरा बोल हरना बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे हो जाए तो रोज़ हारी दुनिया के काटे।
जन से बोले राजा रामचंद्र की जय। इसी प्रकार हनुमान जी ये तो बहुत शक्तिशाली गद्गद मोर भाई अच्छा है मार मार जी कद कब छाई हो सके ना तोला देवता मन मारे सर की ना तोला राक्षस मन मारे सर की से ना छाई कुमार मार मार जी तब मैं कहां सब को मारे बार तब अपन दिमाग के उपयोग करिस अपन दिमाग के उपयोग करिस औ अपन ब्रह्म बाण ना निकालिस अपन ब्रह्म बाण ना निकाले के बाद मैं कर ऊपर चला जाए हनुमान जी लोग बांधर पकड़ सकते का जाए नहीं पकड़ सकते लेकिन वो ब्रह्मा जी की इज्जत करा तरी सो ब्रह्म बाद की इज्जत करा तरी से अगर सती वो ब्रह्म बाद में हनुमान जी बंधा गए और हनुमान जी बंधाए के बाद में हनुमान जी और ब्रह्म बाद में बंधाए के बाद में जाए लगा तो लंका में ले में सो लंका के राजा रावण कर लेगी कहते अरे वो वानर ती हरे सेन मोर बेटा हमारे कते कौन कौन बेटा यह में बिगड़ जाना हमारे मारे अच्छा कुमार अरे वो अच्छा कुमार वो तो एक ही मुटका में मर गई थी कते वो तो एक ही मुटका में मर गई थी एक मुटका में मर गई कहीं के कथे वो बात का एकदम घमंड के साथ में बंद था यह बात ना एकदम घमंड के साथ में बंद था कते अब का कर बोल अब का कर बोला के ते जय कदे प्रभु अगर कुचिल काट दे किस नहीं अगर कुचिल काट बो ते खंड उठो जे एक जन कदे प्रभु एक जन चीज कते प्रभु अगर कुछ में आगे राज के साथ ते बढ़िया कहा था सही के कहते किस ते बढ़िया कहा था सही के किस कर बाद में जब रावण के महल में चंद्र श्रवलान अनिस बांदी चंद्र कम पर गए पूरा लंका तो चंद्र लाल बांदी सबू चंद्र कम पर गए के कहते तब पूरा लंका के घीते लालानी चुपराए के बाद में आगे धरा दी मैं तुम्हारे पूछा तो दाई लंका ला आगे कौन धरे बताओ ना वो लंका ला आगे कौन धरे इसके हम वो हनुमान जी गलत आज तो प्यार भजन के बाद मैं तुम्हारे बताऊं लंका ला आगे कौन धरे इसके ला प्रिंस बोले राजा रामचंद्र की जय जागो दुनिया वालों अर जान राम नाम जागो दुनिया वालों अर जान सतनाम बिना नाम जाने न होगा कल्याण बिना नाम जाने न होगा कल्याण जागो दुनिया वालों अर जान राम नाम बिना नाम जाने ना होगा कल्याण बिना नाम जाने ना होगा कल्याण जाग दुनिया वाल हर जान राम नाम जाग दुनिया वाल हर जान सतना बिना नाम जाने ना होगा कल्याण बिना नाम जाने ना होगा कल्याण को
उसने लगा धोती माला लगन को तगनीन तुझको बनाया गुलाम तगनीन तुझको बनाया गुलाम बिना नाम जाने ना होगा कन्या बिना नाम जाने ना होगा कन्या जाग दुनिया वाल और जान राम नाम जाग दुनिया वाल और जान सतनाम बिना नाम जाने ना होगा कन्या बिना नाम जाने ना होगा कन्या बोले राजा रामचंद्र की जय। अच्छा मैं पूछा तेरे उन लोग कला आगे कौन करे इसके तुम्हारे काय का हनुमान जी हनुमान जी लंग कला आगे नहीं धरे जाए मैं तुम्हारे लाइन का कहानी बताता हूँ जे कर जरिए समझ मैं हर तुम्हारे लाइन का कहानी बताता हूँ जे कर जरिए समझ ना हवा या हवा हमारे गांव में एक जन गांव रीसी से के जते हमर गांव में जन डोंगरी जमो खेत लो उतर पोए मस जमो पीला ल लुके राखे रि से जगह एक तन मुसवा है दूधी दाना दूधी दाना चोरा के गे मुसवा है दूधी दाना चोरा के गे कथे अरे ये तो मोर कमाई के लग खाओ किस ध्यान से सुनु दाई होइला तान में पूछु ना अरे ये तो मोर कमाई के लग खाओ जागतिन एक अरबत पांडा ने किस माना लाने इस मसना ना प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के पल फल डार डार सुहा मुस्वा पान में क्यों क्यों जरा जरा अब कैसे कर वो कब कब कथे अबे मुस्वा कैसे कर वो कथे प्रभु मार दे नहीं ऐला आसानी से नहीं मारत कथे मोर को मैं के लखा है ऐला आसानी से नहीं मारत कथे प्रभु अगर पूछी मांगी धरा दे ताने बिला में कुसरी अभी अभी कुसरी तहार हमन माटी में चुट जबो कर बार बार भबत पर मर जाई है ते बढ़िया कहा तस के किस कथे ते बने कहा तस के किस सकर बाद में कथे ओ कर बाद में मुसवा लधारी सकर पूछी में गवटी लगी इस गवटी जा घीला में चंद्रलाल में माची सुनान में तीन चीज मंगाई सुना जा घी चंद्रा माची सुनान में घी चंद्रा माची सुनान में मस्त मुसवा के पूछी में गुरमे तीस घीला लगा दी कर बाद में गोटना आगे धरा दी सुकर पूछी बिला को जावत में साहिल मूर्ति से बिना लो बिना हो बिना लो बिना प्रगा भर पर बिना में कुछ जिस कर गा भर ले फूट गए कथे तो बिना मतलब आगे कौन धरे ओ बिना मतलब आगे कौन धरे इस गाय हैं हैं काला सुनत रहे हो तब वो अभी
गौटली धाना उस जम्मो पीड़ा में लागी गौटली धरै से ती प्रकार का मधर हमर हनुमान जी ला पोक फोकट बदनाम ना दे तो भाई हनुमान जी लंका लागी नहीं धरै से दाई हो लंका के सेम राजा रावण हो लंका लागी धरै से कते सीता मैया के संताप सीता मैया के रोना और रावण के पाप और राम के प्रताप लंका लागी धरै से के कते दाई हो बल सियावर रामचंद्र की जय। आय कप्यान भजन सुनबो करबार में कथा प्रसंग की ओर चल चलबो। रघुराई राम गा रघुराई राम रघुराई राम गा कपुआ बते
प्रकार हनुमान जी मस्त लंका लाए घर आए के बाद में अपन प्रभु राम कर जाए जाके और आंगनर सरकार कर जाए जाके कथमैया राम भगवान करेगी और आगेंद्र सरकार करेगी सब जाके कहते प्रभु कहते माता सीता लंका के आखिरी छोर में एक तन वाटिका है जेकर नाम है अशोक वाटिका और अशोक वाटिका में तो अशोक पेड़ के नीचे में विराजमान है ओ अशोक पेड़ के नीचे में विराजमान है के कथे अशोक पेड़ के नीचे में विराजमान है कथे ओकर बाद प्रभु एक तन तिलका के सहारे लेके एक तन कारी के सहारा लेके जमी लग कोना कोना तो ले आ जा रहा था इस कते प्रभु का कहावत इस तब तब इस प्रभु माता सीता कहावत इस हे राम भगवान हे रामेंद्र सरकार हे प्रभु कते हे प्रभु सब कट दुखला हर तर प्रभु फिर मोर दुखला का बाहर बे अगर मोर ये तन हावे अगर मोर ये सांस चला दे प्रभु तो मोर हर सांस में तो नाम चला दे प्रभु ते कब आबे और कब मोला ले जाबे आबे ते कब आबे और कब मोला ले जाबे ये बात कहा था इस प्रभु कथा अच्छा कहानी सुनू दाई हो हमर गांव में एक घटना सुन ल बतावा था हमर गांव में एक जन गोटू डोकरा रहत हो अपर गोठिया थे ओकर से दिन ओकर नाम गोटू डोकरा है एतन औ खास बात ओला अंदरोटी खलो आते अंदरोटी मतलब कब कौन मन समझ सु दाई है अंदरोटी मतलब कोई कौन 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 मन समझ सु ओके कई जमन हां कहता कई जमन नहीं कहा तुम्हें बता दे आज हां अंदरोटी के मतलब सांझ होते तहां कहां चुन दिखे तय दिन और ओकर सबसे घर जावत है समस्त साइकिल में जावत है से जात जात रास्ता में ओकर साइकिल के टायर टूट गए ए जी कोजी 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 साइकिल मिस्त्री टिक बैग बैग कर सकते लट लट में एकदम मिस्त्री मिली वो मिस्त्री रिस अलवा जब आधा जाने आधा नहीं जाने बनाने सांझ कर दे के जते बनात ले सांज कर कर लेकिन अब तो हर काम लट्टू हो गए तो हर काम नहीं हो लट्टू हवे ना अब तो हर काम में लट्टू हो गए लट्टू कंजोर में चल दी सकर सब निकर कर चल दो कर सब निकर कर पहुंचे उसने नहीं बोल हो के जते उसने नहीं बोल हो तब का तुका दी सकर सब निकर और तब का तुका जाए के बाद में मस्त आ सब दी अपर धुरा लाए भूख लागत है खाना खाल खास दोनों को बैठ के मस्त दोनों को जब हाथ दीस गोटू टोकरा सब दी खाए चालू हो गोटू टोकरा देखा थे कत कबीर बोला भात दी तक खाऊं कई भात तो लगे दे रे लेकिन न लगे ही तक कही तब कर सब दी कते ले न सब दी भात ल नहीं खात जान न सा भात आगे मोर कर कर नहीं सब दी खाए कली भगवान ने याद कर लेना चाहिए कते खाए कली भगवान ने याद कर लेना चाहिए के किस और बार बार चल अब खा कते तुक खावा कब कब तुक मस्त खाए के बाद में मस्त तुम खावा पक्का तुक्का खावा तरी से उमे आके तन बिलई हई तत कते बिलई हई खाए के चालू हो गो कर सर के जते बिलई हई खाए के चालू हो गो कर सर या देख ना सब दी तोर पत्री तो बिलई जते जी तो यहां न सा मोर पत्री में बिलई आए नहीं समझी हर बिलई में इंसान होता है इंसान में भगवान होता है कते कते और बिलई ना भगवान बना दी स्वर कते कते तले चले पत्री लो लेला दे दे तुर बर दूसरा भाव था मस पत्री ल लाल के जिस त गोटू टोकरा कहा पत्री सुन साथ ल दे तभी कैसे सोचे है पत्री कहो एको कल कुदुर खादर बाद ही तान में जान मर हुए बिलै फिर आगे कह के हकट लेकर कण पट ल बजे कहा ओत के जहां तक सब सब मस भात ल धर के आए बा माता मन के आदत चेक थम बड़ी आंधानी में धर के आ जाते आराम से देखो इस प्रकार होकर सब दिखलो देवा देवी पत्री बाजू जाए के जते पत्री बाजू इस गोटू जो करते बिलाई फेर आ गए ए बिलाई फेर आ गए की चोचे हकत के कर सब दिन के कण पट ल बजा दे कते दे बचाओ बचाओ ना मार दे तो बचाओ बचाओ या ते कैसे तोर सब दिन मार दे जी तेर कैसे तोर सब से मार दे के नहीं समझे हर भी इंसान इंसान में भगवान होता है भगवान इंसान इंसान भगवान कर समझे कुछ समझ में नहीं आएगा चले चल खाना खा दे ना शुद्ध बोन बोन खाना खा दे ना अब चल शुद्ध बोन बोन
अशुद्ध बन कह के की सुकरवार में गुट टोकरा करे समधी मैं परछी में सुतु तू मन जाव तुम सुन जाव कह के जैसे अमर पितरिम गीस ओत के जहां लईदा तौ ही करे कर डोर मारे तो डोर के कन मुडाला पर बोर में बाधीस अवे कन मुडाला ओ खटिया पूरा मान तू राज निकाल के उठू तला तिरा तिरा पेरा के जते तिरा तिरा पेरा जा के जैसे बाधी तू न फेल लेन गोल हो गयो जैसे रात के 12 बजे द्वार पर लागी सोई तब का थपका तुती उस मस्त सब का तुका जा लागी अब गोटू टोकरा थोड़ी ना जा रहे भाई बारी कुहाटी में कुआं है कहीं कहीं ए गोटू टोकरा थोड़ी ना जा रहे का बारी कुहाटी में कुआं है कहीं कहीं तब का तुका जावत हुई से ब्राक का कुआं में गदी गटे बाजी का लोग गट 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 खटिया कर रात हो देखबे तो सब दिन खटिया कैसे बात आग के दिन कहां खटियो जग कुआं में लाए या ये कैसे कर तो समझी नहीं समझी मोर समझी ना मार मार कर खांसी लटके हो कहा तो डोला पर गोद में बांधे ना तब उस मोर समझी ना मार मार कर खांसी लटके हो कहा वाय बर सही बात है आजकल सब कोई लग रहती है कोनो अपन माँ बाप के बात नहीं मानते तो अपन माँ बाप के सेवन नहीं करते कोनो दान दान लग जाना तो जब तक के सच सच करूँ ना दादी ने भैया तब तक कोई प्रकार का ढूंढती नहीं आए बोले श्यावर रामचंद्र की जय आल तो प्यार भजन सुन बो कर बार बार कथा प्रसंग की ओर चल चल राम गाले तेहा गाले ना भैया भजले सियारा भजले सियारा राम काले तेरा गाले ना भैया भजले सियारा भजले सियारा राम देवी जपले हरि नाम भजले सियारा राम देवी जपले हरि नाम भजले सियारा राम काले तेरा गाले ना भैया भजले सियारा राम गाले तेरा गाले ना भैया अजले सियारा मन लावे रामायण के गुरुदर बोले सब मन लावे गाँव के मोरे अंगना अंगना मानस गंगा बहावे गाँव के मोरे अंगना अंगना मानस गंगा बहावे रामायण के गुरुदर बोले सब मन लावे रामायण के गुरुदर बोले सब मन लावे राम गाले तेरा गाले ना भैया भजले सियारा राम गाले तेरा गाले ना भैया भजले सियारा I'm gonna make it.
भैया बजले सिया राम, राम गाले तह गाले भैया बजले सिया राम, बजले सिया राम देख जपले हरि नाम, बजले सिया राम देख जपले हरि नाम, जपले हरि नाम राम गाले भजले सिया राम, राम गाले तह गाले न भैया भजले सिया राम, मन में कोई नहीं बोले वो दीदी भजले सिया राम, मन में कोई नहीं बोले वो दीदी भजले सिया राम, मन में कोई नहीं बोले वो दीदी भजले सिया राम, मन में कोई नहीं बोले वो दीदी भजले सिया राम, मन के कोई नहीं बोले वो दीदी भजले सिया राम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।